हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे से यूट्यूब चैनल नेचुरल इंडियन टीवी में। दोस्तों, बारिश का मौसम चल रहा है और कभी कभी बारिश होती रहती है, तो इस दौरान तालाब की मछलियां तो एकदम निचले सतह में अंदर एकदम चली जाती हैं, जबकि नदी की मछलियां भी ज़्यादातर अंदर ही रहती हैं। तो इस दौरान हमें उनका शिकार करने के लिए एक अच्छे चारे की आवश्यकता होती है। तो अगर अच्छा चारा नहीं होता है तो यह सभी मछलियाँ हमारे हुक में नहीं फंसती हैं। तो आज हम इन्हीं सभी मछलियों के लिए एक ऐसा चारा बनाने वाले हैं जिसे आप इस्तेमाल करके बहुत ही बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार कर सकते हैं, और चाहे आप नदी में करें या तालाब में करें, बड़ी बड़ी मछली आप पकड़ सकते हैं। तो चलिए, वह कौन सा चारा है यह मैं आपको बताने के साथ दिखाता भी हूँ और बनाकर आपको जल्दी से दिखाऊँगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर है लगभग मेरे पास 50 ग्राम गेहूँ का आटा। तो चलिए, यह मैंने ले लिया है। अब इसके बाद हमें क्या इस्तेमाल करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है सोयाबीन, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको फाड़ लेते हैं। तो हमने इतना ले लिया है, तो अब चलिए इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है आपको बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर है छोटी सी ओखली, अब इसकी मदद से हमें इसको बारीक करना है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके पास मिक्सर है तो आप इससे उसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें डालकर हम इसको बारीक कर लेते हैं और आपको बारीक करने के बाद दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने इसको एकदम से बारीक कर लिया है। तो चलिए, अब हमें इसमें डाल देते हैं और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, हमें इसमें अब डालना है थोड़ा सा हींग, इतना हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको पानी डालकर धीरे धीरे गूंथ लेंगे। दोस्तों देखिए, हमने अचारा बनाकर रेडी कर लिया है। और दोस्तों, अब आप इससे मछली का शिकार कर सकते हैं।